करूंगा कि बहुत राजस्व उद्बोधन के साथ हमें हम जो जाऊंगा इन बच्चों को कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम मिलाए जा, जो जिंदगी है देश की ये देश पे लुटाए जा। ये वृंदावन की कृष्ण भगवान जी की महान दर्शन, जहां से हमें प्रेरणा मिली, जिसकी कृपा से हमारा भारत वर्ष, हमारी सीमाएं, हमारे जवान हमेशा सुरक्षित रहते हैं। जहां दुनिया से हर कोने में इस वृंदावन की धरती पे, मथुरा की धरती पे हर धर्म का व्यक्ति सिर झुकाता है, और उस धरती के अंदर वो हमारे बच्चे जो आने वाले वक्त के अंदर को फौज में जाएगा, को सीआरपीएफ में जाएगा, को बीएसएफ में जाएगा, को सरदार अब्दुल कलाम की तरह बनेगा, को बहादुर बनेगा, जो बड़े होकर के आने वाले वक्त के अंदर कोई भारत माता की सीमाओं की रक्षा करेगा, को अब्दुल कलाम की तरह दुनिया के अंदर इस मातृभूमि का नाम ऊंचा करेगा, उन बच्चों को मैं वंदे मातरम बोलता हूं। मेरे बच्चों, सबसे प्रथम राष्ट्र, उसके बाद जात धर्म मजहब, उसके बाद आते हैं। जितने राष्ट्र को प्रथम अपना लिया, जिसने वंदे मातरम को प्रथम अपना लिया, वो राष्ट्र कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि इस मातृभूमि की तरफ बुरी निगाह से देख ले। पर मकसद होना चाहिए राष्ट्र प्रथम। शहीद आजम भगत सिंह आप की तरह थे। उम्र कितनी थी जब फांसी हुई? 21 साल। फांसी के रस्ते को हर साल के माता जलियांवाला बाग के अंदर जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून बहा था, खून बहने के बाद एक छोटा बच्चा भगत सिंह एक शीशे की लेकर के बोतल को वहां चला गया, सबका खून इकट्ठा किया, घर में आए, मां के सामने रोज तिलक लगाते थे और मां को कहते थे, मां जब मैं बड़ा होगा, मां इस मातृभूमि को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाऊंगा, मैं इस मातृभूमि को आजाद कराऊंगा। वो स्कूल का बच्चा कहता था आपकी तरह। भगत सिंह बड़े हुए, बड़े होकर के इंकलाब का नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को इकट्ठा किया और नारा दिया कि हम मातृभूमि को अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद कराएंगे। और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर बम फेंका, बम किसी को मारने के लिए नहीं फेंका, हिंदुस्तान के युवाओं को जगाने के लिए कि हिंदुस्तान के युवा जाग जाओ, वक्त आ चुका है, मातृभूमि को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाना है, और अंग्रेजों को बताने के लिए इस मातृभूमि को, भारत माता को छोड़ के चले जाओ। शहीद आजम भगत सिंह जी को लाहौर जेल के अंदर 14 नंबर कोठरी पे बंद कर दिया जाता है। उनके आप जैसे दोस्त सवाल पूछने आते हैं, भगत सिंह तेरी शादी कब होगी? तो भगत सिंह जी हंसते हुए कहते हैं, अगर इस गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है, मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी, और मेरे दोस्त जो शहीद हुए, स्टूडेंट दोस्त, वो मेरे बराती होंगे। ये वो भगत सिंह था, आपकी उम्र का था वो भगत सिंह। जब कोर्ट में ले जाया जाता है स्टूडेंट लीडर को, भगत सिंह जी को, तो राजगुरु सुखदेव जी के साथ हंसते हैं। जज कहता है, भगत सिंह जी यहां हंसना मना है,
कोर्ट का अपमान है। वो स्टूडेंट लीडर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जज साहब को कहते हैं, जज साहब जब हम वंदे मातरम बोलते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए, हंसते हुए इस धरती के रस्ते को चूमेंगे, क्या उस वक्त हमारी हंसी बंद कर दोगे? ये भगत सिंह जज को कहते हैं। वो था भगत सिंह स्टूडेंट लीडर, उम्र 23 साल, फांसी की इतिहास अभी भी लंबा होता है। जरूरी नहीं है कि उम्र 50 साल हो तो आपको राष्ट्र के लिए समझ आए, उम्र 70 साल हो समझ आए। मैं भी एक 7 साल 8 साल का बच्चा था जब जलियांवाला बाग के अंदर अपने ग्रैंडफादर के साथ चलता हुआ एक सवाल पूछा था, जो दीवारों के ऊपर निशान किस चीज के हैं, तो मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था ये उस जनरल डायर की गोलियों का निशान है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस भारत माता की आजादी की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। उसी लाल मिट्टी पे मैंने शपथ ली थी, आजादी ले ले दे दी उन शहीदों ने, कभी जिंदगी में वक्त मिला इस आजादी की रक्षा के लिए हम भी अपना जीवन देंगे। वक्त गुजरा, थोड़े इनकी तरह बड़े हुए, 10th क्लास में हुए तो तिरंगा झंडा पकड़ करके 15 अगस्त 26 जनवरी का दिन मनाना शुरू किया। मनाते रहे, बड़े होते रहे, फिर एक चैलेंज आया जब आतंकवादी अमृतसर की वो पवित्र नगरी गुरु महाराज की उसकी पवित्रता को भंग करने के लिए हथियार लेके चले गए और नारा दे दिया, हम खालिस्तान बनाएंगे, हम पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ देंगे। 15 अगस्त का दिन आया और वो चैलेंज था, हमने आजादी का दिन मनाना था, हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा लहराना था कि अगर बिट्टा तिरंगा झंडा लहराएगा, आजादी का दिन मनाएगा तो बम्बों से उड़ा देंगे। हमने कहा, हमने जलियांवाला बाग के अंदर उस शहीदों की खून की मिट्टी पे शपथ ली थी, आज हमारे इम्तिहान का वक्त है। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को याद करते हुए हमने कहा, बम चले या गोलियां चले, तिरंगा झंडा यही लहराएंगे। 11 बजे 12 बजे तिरंगा झंडा लहराना था, 5 बजे मेरे घर में बम फेंक दिया गया। बम इसलिए फेंक दिया गया, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा न कर सके। बंद करो भाई इसको, बंद करो, इस तिरंगे झंडे की रक्षा न कर सके, हम आजादी का दिन न मना सके। लड़ाई अभी तक जारी है। अगर मेरे से तो सवाल पूछता है पहला बम ब्लास्ट कब हुआ, मैं फजर से कहता हूं पहला बम ब्लास्ट